पिछले साल सितंबर तक भारत में कोरोना वायरस के रोजाना करीब 1 लाख मामले सामने आ रहे थे। ये वो समय था जब भारत कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार झेलने वाला अमेरिका से आगे निकलने की राह पर था। जी हाँ दोस्तों, मरीजों से अस्पताल भरे पड़े थे। भारतीय अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व मंदी में तब्दील हो चुकी थी। हालांकि अगले 4 महीनों में भारत ने कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक भारी गिरावट देखी। अब भारत में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक रहस्य बना हुआ है। वे भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या में अचानक आई गिरावट की जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय क्या सही कर रहे हैं और जो देश अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। ये सवाल बहुत वाजिब है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में पब्लिक हेल्थ रिसर्चर जेनेवी फर्नांडिस कहती हैं, जाहिर है कि इसके पीछे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय काम कर रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लोग हालात बिगड़ने से पहले अस्पताल जा रहे हैं, जिससे मौत के आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। शोधकर्ता भारत में मास्क जरूरी और सार्वजनिक अनुपालनों की जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ की जलवायु, डेमोग्राफिक और आम तौर पर देश में फैलने वाली बीमारियों के पैटर्न को भी समझने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।